और कहती है, समुद्र की खामोशियां कुछ और कहती है, टूटी हुई कश्तियां कुछ और कहती है, मेरी आंखों ने देखा था मंजर कोई और, लेकिन आप सबकी निगाहें कुछ और कहती हैं, कुछ और कहती हैं। ऐसा ही संदेश मैं भाई अतुल जी प्रधान से निवेदन करूं कि युवा साथियों में आपके प्रति इतना जोश और स्नेह है, आप आए और इनसे एक बार राम राम करें और कर्नल साहब को अस्थि विसर्जन पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कर्नल अतुल प्रधान जी, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे ऐसे समय पर माइक थमाया गया है जब नौजवानों का जोश, ये जवानी अपने उफान पर है। सर्वप्रथम मैं उन वीर सपूतों को, उन शहीदों को अपनी तरफ से, इस पूरे हिंदुस्तान की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने छाती पर गोली खाई, सीने पर गोली खाई। मैं आप सब की तरफ से पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं शख्सियत को जिन्होंने इस स्वतीवी कौम को, ऐसे लोगों को जो पीएड़ में दूर दराज, ऐसी जवानी जिसने 1857 में तो कुर्बानी दी थी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने जिसको दबा दिया कुचल दिया, सत्ताशीलों ने दबा दिया कुचल दिया, ऐसी कौम को जगाने का काम कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला ने किया। मैं सब लोगों से कहूंगा जोरदार ताली बजाकर स्वागत के लिए। यह मैं यहां पर उपस्थित सारे बैंसला परिवार सहित उन तमाम नौजवान साथियों को जिन्होंने प्रोग्राम सजाया संवारा है, साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश से आदरणीय जयंत चौधरी जी को और तमाम यहां पर तले हुए दल के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं नौजवान साथियों, मैं भी आपकी तरह क्रांतिकारी हूं, लड़ने वाला हूं और आपकी भावनाओं को समझने वाला भी हूं। 5 मिनट बाद सुन लीजिए, बस 5 मिनट। मैं जो पुलिस वाले लोग खड़े कह रहा हूं, चाहता हूं साथियों पीछे हट जाओ, पुलिस वाले साथी ये सब सुन लेंगे, पुलिस वाले लोगों के द्वारा हट जाए, आ जाओ पीछे हट जाओ, पुलिस वाले भाई आइए आइए, पुलिस वाले लोगों को पीछे हट जाओ, कोई नहीं हटेगा पीछे। देखो मैं आया हूं दूर से और मैं भी तुम्हारा भाई हूं, अगर पूरी बात नहीं सुनोगे तो नुकसान होगा, इसलिए पूरी बात सुनिए। अब पुलिस वाले लोगों को अलग कर लो, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं समाज की सरपंची से, अपने ताकतवर लोगों से और आने वाले समय से, भविष्य से, कि जब दो ताकतें विपरीत दिशा में चलती हैं तो समाज का नुकसान होता है नुकसान। इसलिए जहां कर्नल करोड़ी सिंह का परिवार है, वही आपके सामने पायलट साहब की विरासत है। इसलिए इस ताकत को, यह समाज की मीटिंग है, यह समाज की मीटिंग है, यह मीटिंग आपके एमपीसी परिवार की है, यह किसी पार्टी और दल की मीटिंग नहीं है। इसलिए समाज की चर्चा हो, समाज पर बातें हो, और जो यहां पर जिस बात के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उस पर चर्चा हो। मैं मंच के साथी से कहना चाहता हूं, ये भावनाएं हैं, जो भावनाओं का ज्वर होता है उसको आप रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता उसको, लेकिन मैं नौजवान साथियों आपसे अपील करूंगा, जब आपके बीच में जो दूसरे प्रदेश से चलकर आए हैं, आज यहां पर अतिथि के रूप में आए हैं,
अगर आप संयम नहीं दिखाओगे तो कौम की बदनामी होगी। इसलिए इस प्रोग्राम में पुलिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पुलिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वॉलंटियर का काम खुद करो। अरे जानो समझो, जब हम इधर की तरफ चले हुए आ रहे थे कल, आदरणीय जयंत चौधरी जी बैठे हैं यहां पर, मैंने कोशिश की, कई लोगों से चर्चा की, तो कई लोगों ने कुछ बात कही, कई लोगों ने कुछ कहा। मैंने सिर्फ एक बात कही कि ये एमबीसी परिवार के सहित गुजरों का प्रोग्राम है, सबको जाना चाहिए। मैं कहां से आया हूं, किस तरह से पहुंचा हूं, ये बात मायने नहीं रखती। मायने मौजूदगी आपकी रखती है, आपकी आप आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। अरे दोस्तों साथियों नौजवान लोगों, मैं भी 1857 की क्रांति मेरठ शहर से धनसिंह कोतवाल गुर्जर के शहर से आया हूं। इसलिए ध्यान रखो, ये जवानी ये जोश दुश्मनों से लड़ने के काम आना चाहिए, अपनों से लड़ने के काम नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं सियासतदारों से जिन्होंने देश की आजादी के पहले समाज को कुचला और उसके बाद देश की आजादी के बाद भी हमें कुचला, दबाया, सारा इतिहास छुपाया, आज ये समय है कम से कम आप यहां लाखों लाख हजारों हजार की तादाद में इकट्ठा है, इसीलिए किसी पर टिप्पणा टिप्पणी का टिप्पणी नहीं, इकट्ठे होकर अपने मन में जो भाव है उनको लेकर रखिए। मैं बधाई देना चाहता हूं उस कौम को, उस जाति को जिन्होंने विजय सिंह पथिक जैसे लोगों को आपके बीच में रखा, आप बधाई के पात्र हैं। ये राजस्थान की धरती जिसका इतिहास, आपका इतिहास, ताकत का इतिहास है। ए नौजवान साथियों, आज जब ये मीटिंग पूरी हो तो ये मीडिया के कर्मी आपके लिए कुछ गलत ना लिख पाए। मैं तो इसीलिए पिच में आ गया, आपसे बात करने आ गया नौजवान साथियों, आप सब लोगों से पूरी बात सुन लीजिए। और रही बात इस चीज की कि कौन राजनीतिक दल से आया है, कौन किस पार्टी का है, कौन समाज को तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का करता है, ये सबको पता है, पता है नहीं पता। इसलिए कहीं पर विधायक बनाने का मौका आए तो बना देना, कहीं पर सांसद बनाने का मौका आए बना देना, और कहीं पर मुख्यमंत्री बनाने का मौका आए तो भी बना देना। इसलिए कहना चाहते हैं नौजवान साथियों, बैठ जाना। आज इस मौके पर मैं एक बार कहना चाहता हूं, भाई अतुल प्रधान को जानते होगे, आप नहीं जानते बताओ, मैं भी आपके समाज का आपके बीच का हूं या नहीं, किसी ने घबराते हुए तो नहीं देखा कभी। इसलिए कहना चाहता हूं बैठ जाओ, मैं धूप में आ जाऊं कहो तो मैं धूप में खड़ा हो जाऊं। मेरे भाइयों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, भगवान देव नारायण की कसम है बैठ जाओ। अरे भगवान जी की बात भी और हमारी भी सुन लो भाई, ये हमारे नौजवान साथी जो पिच में हैं, बैठ जाओ भाई, सब लोगों को बैठा दो, ये जितने नौजवान हैं बैठ जाओ भाई, ये हमारे साथी हैं नौजवान, भगवान देव नारायण की कसम खाकर बैठ जाओ। देव नारायण भगवान की, हरिगिरि महाराज की, पुष्कर धाम की, एमबीसी समाज की, कर्नल करोड़ सिंह बैसला मर रहे हैं, रजत पायलट अमर रहे हैं, सरदार पटेल अमर रहे हैं, समाज के भी सपूत अमर रहे हैं। देखो बैठने के चक्कर में भाषण हल्का पड़ गया, बैठ जाओ यार। अरे बोल के जाता तो सब लोग जानते हो हमारा, बैठ जाओ, पसीने आएंगे कोई बात नहीं। अरे सब ताली बजाइए सब लोग, बताओ
जो पहली लाइन बोली थी उस पे अमल करोगे नहीं करोगे? जो ताकत है उसको अपोजिट दिशा मत खींचिए, खराब होने का काम होगी। अरे एक तरफ चलिए, ताकत बन जाएगी। क्यों? मैं कहूंगा आदरणीय अपने बड़े भाई से, आइए विजय सिंह जी के, कि आप और जो जिनके लिए आप सब लोग कह रहे हैं, दोनों लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। ये मैं देखिए, जब हमारे बड़े भाई और जिनके लिए आप जोश उमड़ रहा था वो भी बड़े भाई, और दोनों एक दिशा की तरफ चलिए, समाज के लोग। इसलिए जब इन्हें इकट्ठा करने का नंबर आए तब इकट्ठे हो जाओ, और हमें जब यूपी में इकट्ठा होने का नंबर आएगा तो हम भी बुला लेंगे जी आपको, और कभी उधर से इधर आना पड़ेगा तो फिर बुला लेंगे। इसलिए अब उनके चक्कर में मत आओ जिन्होंने साइट से भी नाम हटा दिया गुजर का। क्यों हटा दिया भाई? क्या बुराई है गुजर समाज में? उसको नाम को जोड़ो जल्दी, नहीं तो सब चीज चली जाएंगी। भगवान जी के नाम से आगे हटा दिया नाम। अरे जब देवनारायण भगवान जी के पिताजी के नाम के आगे से नाम हटा दोगे, गुजर सदियों से लिखा हुआ है, मिटने वाला नहीं है, ये मिटने वाला नहीं। अरे सोती भी कौन थी? ये कर्नल साहब ने और राजेश पायलट जी ने और फिर उनके बेटे सचिन पायलट जी ने और हमारे हाथी ने जगा दी, हमारे कर्नल साहब के परिवार ने जगा दी। इसलिए मैं कर्नल साहब के पूरे परिवार को, इनके सब साथियों को आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए, धन्यवाद दीजिए, सब लोग धन्यवाद दीजिए। अब नारा लगाएंगे जोर से, भाई लगाओगे नारा जोर से? जोर से लगाना, भारत माता की। भाई मैं लगवा रहा हूं नारा दूर से आके, मुझे राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अगर लड़वाना पड़ेगा तो आ जाऊंगा। मैं भी हरा के आया हूं किसी ऐसे ही को, हरा के आया नहीं हरा के आया। ये जयंत चौधरी जी बैठे, इनका आशीर्वाद मिल गया, हमारी मदद कर दी। तो आप सब लोग सुन के जाना, जो नारा बोलू जोर से बोलिएगा, भारत माता की। मुट्ठी बंद करके जोर से, पीछे बैठे हुए लोग हैं उधर तक, भारत माता की, इंकलाब, देव नारायण भगवान की, हरिगिरि महाराज की, कर्नल करोड़ी सिंह अमर रहे, राजेश पायलट अमर रहे, कश्मीर कोतवाल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, और तमाम यहां पर कर्नल सिंह करोड़ सिंह बैंसला का परिवार बैठा है, मैं उनके बेटे और भाइयों का, बहनों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये सोती हुई कौम को इकट्ठा किया। लेकिन हम सब लोगों को एक दिशा में आगे बढ़ना है, इकट्ठा मिलकर चलना है, एकजुट होकर चलना है। मैं चाहूंगा बहन जी आप आ जाइए, और भाई पूरा परिवार आ जाइए एक बार, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं आइए। अरे एक बार सब लोग हट जाओ, पुलिस वालों भाई अब कोई नहीं तुम्हें झूठ पड़ रही होगी, आइए ताली बजा के एक बार स्वागत करिए, जोरदार तालों के साथ में स्वागत। और एक नारा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, विजय बैसला करेगा पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा करेगा पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, विजय बैसला करेगा पूरा, भारत माता की जय। एमबीसी कौम जिंदाबाद, 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 गुजर समाज जिंदाबाद, 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 सर समाज जिंदाबाद, 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 राजेश पायलट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्नल करोड़ी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, नए नए लड़के हमारे खड़े, ताकत बहुत ज्यादा है मेरे भाई और दोस्तों। अब देखो प्रोग्राम में पुलिस को जोड़नी पड़नी चाहिए, अब मैंने लाइन दे दी, इस लाइन पे बात करेंगे, कोई भी पार्टी का आदमी आ जाओ, सही बात है गलत है? तो परेशान मत हो, सब बैठो, और जो अपने अतिथि आए हैं, कभी कभी जो दूर से लोग आते हैं ना, वो नु सोचते हैं कि भाई ऐसी मीटिंग में चले गए, यार हमारी बात नहीं सुनी, आगे को गिराने के भी नहीं भाई। तो आज जो आ गए उनकी बात सुन लो, और जो करना है वो तो करना आपको है ही, यार वो साउथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।
एक बार और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब। कमल तोरणी अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, दादा पायलट अमर रहे। बहुत शुक्रिया।